क्लास 5 हिंदी एनुअल एग्ज़ाम पूर्णांक 40। फर्स्ट है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि शक्करकंद स्वाद में ब्लैंक्स होता है, तो शक्करकंद कैसा होता है? स्वाद में मीठा होता है, तो हमें बी पर टिक करना है। आगे है, जगने और जगाने की सीख हमें ब्लैंक्स देता है, तो जगने और जगाने की सीख हमें कौन देता है? सूरज देता है, तो हम सूरज बी पर टिक करेंगे। तीसरा है, खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे, तो सी पर टिक करेंगे, सरोवर के किनारे। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो चंदा मामा से माफ़ी हाथियों का सरदार, तो सी पर टिक करेंगे, हाथियों का सरदार। बड़ा होकर अब्दुल कादिर ब्लैंक्स, तो महान संत हुआ, तो ब पर हम टिक करेंगे, महान संत हुआ। ये 5 नंबर के प्रश्न, 5। आगे है दूसरा प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी 5 नंबर का है कि पानी से खेतों की ब्लैंक्स हुई तो सिंचाई, सभी सब्जियां ब्लैंक्स बिना अधूरी हैं, तो आलू आलू बिना अधूरी हैं। फूलों से नित हंसना सीखो ब्लैंक से नित गाना, तो भोरों से नित गाना। लड़के ने अपनी ब्लैंक्स फाड़ डाली, तो सदरी के लड़के ने अपनी सदरी फाड़ डाली। 3 अक्षर का मेरा नाम ब्लैंक्स के ऊपर मेरा स्थान, तो सिर लिखेंगे, सिर लिखेंगे। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, गांव, गांव का हो जाएगा शहर, नीचे का ऊपर, माँ का बाप, आज का कल, और सदरी का जैकेट। चार है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, ये भी 5 नंबर का है। पानी पानी, जल वायु, अनिल सूरज, सूर्य फूल, पुष्प पृथ्वी और धरती, ये समानार्थी शब्द हुए। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए, ये भी 5 नंबर का है। तो अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो बगदाद। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो बगदाद। लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? तो 40। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक। फल आदि का आवरण? तो छिलका। 7 दिनों का समूह सप्ताह। आगे है 6 नंबर के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्य में लिखिए, तो ये भी 5 नंबर का। पहला प्रश्न है कि अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में साफ सफाई करने ले गए। दूसरा कि हाथी कैसे नहाते हैं? तो हाथी अपनी सूंड से नहाते हैं। तीसरा, पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है? तो पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है। आगे है 4 नंबर के, पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो पानी का उपयोग हम पीने में, रसोई में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में आदि चीज़ों में करते हैं। कौन सी सब्जी कलंगीदार होती है? तो बैंगन कलंगीदार होती है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि भिन्न शब्द पर गोला कीजिए, तो ये भी 5 नंबर का है। तो पपीता सेम, करेला प्याज, तो पपीता पर हम राउंड करेंगे, ये फ्रूट है। और चंपा चमेली कनेर और करेला, तो करेला वेजिटेबल है, तो इस पर हम राउंड करेंगे। कमान अभाव कमी घाटा, तो कमान उस पर राउंड करेंगे। बारिश वर्षा बारी और बरसात, तो बारी पर हम राउंड करेंगे। अनार केला कुदरू और अंगूर, तो कुदरू पर हम राउंड करेंगे। 8वां प्रश्न है कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का है। कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं, तो ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। दूसरा प्रश्न है, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, तो करेला, तो बिटर गॉर्ड इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, द चिल्ड्रन विश्ड टू प्ले इन वाटर। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, मैं यानी आई शेल प्रार्थना यानी प्रे टू द क्लाउड, बादल यानी क्लाउड। बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, द चिल्ड्रन डग ए बिग पिट।